नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में रेस्क्यू टेक कंपनी का हाई प्रेशर कार वॉशर मैंने परचेस किया है, इसका मैं अनबॉक्स करूंगा, बाद में टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि ये खरीदने लायक है या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ बनाने में। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये है इसका मेन बॉक्स और सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं इस प्रोडक्ट का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसे खुद अपने पैसों से ख़रीदा है, मुझे पसंद आया इसलिए मैंने इसे ख़रीदा है। सोचा आपसे मैं शेयर करूँ, शायद आपको भी ये पसंद आ जाए। अगर आपको भी पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने रखा हुआ है, वहाँ पर जाके आप इसे खरीद सकते हो। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें से क्या क्या निकलता है। तो अंदर से कुछ ये पेपर्स निकलते हैं जिसमें वारंटी कार्ड मिलता है, 2 साल की वारंटी है इस मशीन की। और ये कुछ एक लेटर है जिसमें कैसे इस पंप को यूज़ करना है, पाइप को कैसे लगाना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और कुछ कांटेक्ट नंबर दिए गए, अगर आपको मशीन में कोई प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा तो आपकी हेल्प करेंगे। तो ये एक लेटर दिया गया है। अंदर जो है वो मेन बॉक्स रखा हुआ है, चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये इसका मेन बॉक्स है और मेन बॉक्स के ऊपर यहाँ पे मशीन की फ़ोटो दी गई है और कुछ फीचर्स लिखे गए हैं। 1700 वॉट की इसके अंदर मोटर है जो काफ़ी अच्छी है और 135 बार का प्रेशर है और जो मैक्सिमम फ्लो है वो 380 लीटर एक घंटे में यूज़ करता है और मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री है। साइड में कुछ फ़ोटो के साथ इस मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे कनेक्ट करना है, वो सब कुछ दिया गया है, लिखा भी है। और दूसरी साइड में कौन कौन सी एसेसरीज हमें मिलती है वो दिया गया है फ़ोटो के साथ, और इस वॉशर को आप कहाँ कहाँ किस पे इस्तेमाल करना है उसकी भी सारी फ़ोटो दी गई है। तो मेन बॉक्स पे यही सब लिखा हुआ है और इसकी जो कीमत है वो 8000 रुपये है। बॉस कंपनी का भी वॉशर मिलता है, कार वॉशर, लेकिन वो थोड़ा महंगा है। 1500 वॉट की मोटर के साथ जो मिलता है वो 10000 रुपये के आसपास मिलता है। ये 1700 वॉट की इसमें मोटर है और इसका प्रेशर भी बॉस के वॉशर से थोड़ा ज़्यादा है इसका, और इसकी कीमत 8000 रुपये है। तो मैंने इसे परचेस किया है, बॉस का थोड़ा महंगा है। तो अभी मैं इसमें से कौन कौन सी चीज़ें निकलती है वो निकाल के आपको दिखाऊंगा और बाद में उसको कनेक्ट करूंगा और मेरी एक कार है उसको मैं वॉश करके आपको दिखाऊंगा। तो देखते हैं कैसा वॉश होता है। सबसे पहले निकलता है ये पाइप, ये शायद बाल्टी के अंदर हमें ये डालना पड़ेगा और ये पाइप जो है मशीन के साथ कनेक्ट करना होगा और यहाँ से पानी मशीन के अंदर जाएगा। तो इसे नीचे रख देता हूँ। ये स्प्रे गन है शायद, ये जो मशीन में से निकलने वाला पाइप है वो है और इसके साथ इस गन को शायद कनेक्ट करना होगा। और ये मेन गन है जो यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट होगा। ये व्हील है मशीन का, ये कुछ और कंपोनेंट्स है जिसको हम बाद में देखेंगे। ये मशीन का हैंडल है, इसे पकड़ के हम एक से दूसरी जगह ले जा सकेंगे। और ये है वो जो फॉर्म हम गाड़ी पे डालते हैं, तो इसी के अंदर हमें जो हमारा शैम्पू या कुछ भी हो इसके अंदर डाल के हम स्प्रे कर पाएंगे, तो ये इसी के लिए है। और
फाइनली लास्ट में निकलता है हमारा मेन मशीन। तो ये है हमारा मेन मशीन और दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हल्का भी, आप एक हाथ से इसे उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो कुल मिला के ये सब कुछ मिलता है हमें मशीन के साथ और अभी मैं सबको कनेक्ट करने के बाद अपनी कार वॉश करूँगा और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसे मिलता है हमें। आप चाहे तो इस पाइप को नल के साथ सीधा कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी एक 20 लीटर का जग है पानी का, उसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो चलिए इसको पावर ऑन करते हैं और जो मेरी कार है उसको वॉश करते हैं। प्रेशर तो काफ़ी अच्छा है और एक बात मुझे अच्छी ये लगी कि इसका ये ट्रिगर जब भी आप दबाते हो तभी पानी निकलता है और मशीन भी तभी ऑपरेट होता है। सिर्फ एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये आवाज़ थोड़ा ज़्यादा करता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। अभी हम लोग जो है इस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर मैं पानी के साथ इसको मिलाऊँगा और जो फॉर्म वाला वॉशिंग है वो अभी हम करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। वैसे ये फॉर्म वाला जो है वो इतनी अच्छी तरीके से हुआ नहीं, शायद लिक्विड में बनाने में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो एक बार और ट्राई कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो ये नहीं हुआ। तो दोस्तों ये था रेस्क्यू टेक कंपनी का कार वॉशर और ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, सिर्फ ये जो फॉर्म वाला है वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं चला। मैंने एक बार फिर से ट्राई किया था तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिला, लेकिन फिर भी ये जो बॉटल है वो काफ़ी छोटी है, सिर्फ 250 ml की है, 500 ml की तो होनी ही चाहिए। बाकी तो ये प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छी है, अगर आपको इसे बाय करना है तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।